बिटिया क्या है मम्मी? आज फिर तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे हैं, इस बार कुछ गड़बड़ मत करना। ठीक है मम्मी। और अगर तुम्हारे होने वाली साथ तुमसे पूछे कि ससुराल में क्या क्या करोगी, तो उनसे बताना कि घर का सारा काम करूंगी, झाड़ू लगाऊंगी, चूल्हा फूकूंगी, और अगर समय मिलेगा तो पति देव के लिए पुराना स्वेटर उधेड़ कर फिर बीनूंगी, ससुर जी के लिए गरम तेल में पकौड़े तलूंगी, सासू माँ आपके लिए बड़े गले का ब्लाउज काट कर फिर सिलूंगी। ठीक है मम्मी। बड़ी सुंदर बिटिया है आपकी। और बताओ बिटिया, शादी के बाद ससुराल में क्या क्या करोगी? माँ जी, मैं घर में झाड़ फूक करूंगी, और समय मिला तो पति देव को उधेड़ कर फिर बीनूंगी, ससुर जी को गरम गरम तेल में तलूंगी, और आपका गला काट कर फिर सिल दूंगी। हेलो भाई चकना, चलो अभी तो हम लोग का मरना ही होगा, क्योंकि सरकार ने हमको बैन लगा दिया, अभी बिकने ही नहीं देता है दुकान पर। काट मटर भैया, दारू पी रहा होगा? शौक से पीता हो कहीं नाप के नहीं, अपने पैसों से पीता हो किसी के बाप के नहीं, यही हो पियो पियो अपने पैसे। हेलो समधन जी। हाँ बोला थे समधी जी। और सब हाल चाल बढ़िया हो ना? एकदम बढ़िया हो समधी जी। और बिटिया और दामाद के हर हैं? तो हाँ, बिटिया और दामाद तो घास काटे गए हैं। घास काटे गए हैं? पर आप तो बताओ तेरे दामाद जी के कूलर का पार्ट बेचेगा बिजनेस हो? हाँ तो हम कौन सा झूठ बोलत रहे, जोन घसिया कूलर में लगा था वही घसिया बेचे का तो बिजनेस है हमारे बेटवा का। अब तो बहुरी ए, नीचे रखिए हमको, मेरा मालिक नहीं है अभी, आने दीजिए। ए मालिक, देखिए ना कोई अमीर आदमी आया है, निहार रहा है। ए नीचे रखिए हमको, मेरा मालिक नहीं है अभी, आने दीजिए। ए मालिक, देखिए ना कोई अमीर आदमी आया है, निहार रहा है। निमुड़ा निमुड़ा निमुड़ा। ओए निमुड़ा नहीं, निम्बू जी कहिए, निम्बू जी। अब हम वो वाले निम्बू नहीं रहे जो लिबिर लिबिर करते थे, अब हमको चाहिए फुल इज्जत।